हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल सुपर शिबलिंग में स्वागत है। और आज हम याद करने वाले हैं भारत के संविधान की सभी अनुसूचियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिन्हें हम एक ट्रिक के माध्यम से 1 मिनट में याद करने वाले हैं। और हमारी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ट्रिक का नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जहाँ पर टी से बना है टेरिटरी, जिसमें राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची का वर्णन किया गया है। ई से बना है एमोल्यूमेंट्स, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते पेंशन का वर्णन किया गया है। हमारी तीसरी अनुसूची है अफर्मेशन, जिसमें पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। और हमारी चौथी अनुसूची है राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है उसका वर्णन किया गया है। और हमारी पांचवी अनुसूची है शेड्यूल्स एरियाज, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। हमारी छठी अनुसूची है अदर शेड्यूल्स एरियाज, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे प्रदेशों में प्रशासन के प्रावधान का वर्णन किया गया है। और हमारी नेक्स्ट अनुसूची है फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। हमारी नेक्स्ट अनुसूची है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं, और हमारी कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। हमारी नेक्स्ट अनुसूची है लैंड रिफॉर्म, जिसमें भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे से संबंधित कार्य व आदेश को शामिल किया गया है। यह अनुसूची हमारे भारत के पहले संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था, उसके द्वारा ऐड किया गया है। हमारी नेक्स्ट अनुसूची है डिफेक्शन, जिसमें दल बदल निषेध कानून का प्रावधान है। और हमारी नेक्स्ट सूची है पंचायत, जिसमें पंचायती राज के प्रावधान का उल्लेख है। और हमारी सबसे लास्ट 12वीं अनुसूची है म्यूनिसिपैलिटी, जिसमें नगर निगम के प्रावधान शामिल हैं। इस प्रकार हमारी सभी अनुसूचियाँ हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।